आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में दो युवक की मौत। पीएम ने मेले का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य सेवाओं की रखी मांग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गौ तस्करी को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस ने गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। दस नब्बे चौराहे पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, महिला सुरक्षा को लेकर लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने मुरादाबाद नगर निगम के लगभग 64 करोड़ 48 विकास परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया और शिलान्यास किया है। साथ ही अटल जी की स्मृति में 84 लाख रुपए की लागत से कराए गए कार्यों का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें राम गंगा नदी के तट पर अटल घाट पर अटल बिहारी वाजपेयी की 20 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके बाद अटल स्मृति स्थल का लोकार्पण एवं अटल सर्किट का शिलान्यास भी किया। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा मेला और डलमऊ महोत्सव का कार्यक्रम गंगा आरती के साथ शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि वीआईपी घाट पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार तिवारी, डीएम माला श्रीवास्तव शामिल रहे। इस दौरान अधिकारियों ने दीपदान कर मेले का शुभारंभ किया, जिसके बाद महोत्सव में गीत और नाटक में कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम का आगाज किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मेला महोत्सव में स्थित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के मार्गदर्शन में सभी तीर्थ स्थलों का समुचित विकास कर रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है। उसी दृष्टि से रायबरेली जिले के डलमऊ में माँ गंगा के पावन तट पर आज देव दीपावली के अवसर पर हम सब लोगों ने माँ गंगा से प्रार्थना की, भगवान श्री गणेश जी से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए रायबरेली जिले का समुचित विकास हो, रायबरेली जिले के सभी लोगों का कल्याण हो। रायबरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की सुख समृद्धि और वैभव से माँ गंगा हमेशा पूरा पूर्ण रखें, इस आशय से हम लोगों ने आज पूजा अर्चना माँ गंगा की हम लोगों ने की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिनों दिन डलमऊ सहित रायबरेली, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान हमेशा खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा है, बढ़ता जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा मेला यहाँ पे ट्रेडिशनल रूप से लगता रहा है गंगा घाट पे, तो काफ़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु इस जनपद के भी और अन्य जगहों से भी यहाँ आते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ मेला स्थल पे प्रशासन तथा पुलिस और यहाँ की नगर पंचायत और अन्य संभ्रांत सभी व्यक्ति, जो जन सहभागिता के साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठीक सुविधा मिले और उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर साफ सफाई करवाई है, शौचालयों को ठीक करवाया। गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी की शानदार जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में सरकार ने लोकतंत्र को पराजित किया। मतदाताओं ने 99,000 से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देकर बीजेपी को चुनौती दी है। इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएँ तार तार हुई हैं। बीजेपी ने चुनाव जीतने का दावा मतदान का परिणाम आने से पहले ही कर दिया था। वहीं बसपा पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी ट्वीट किया है, जिसको लेकर भी ट्विट चर्चाओं में है।
खबर अलीगढ़ से, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में मिलने उसके घर पहुंचा गया, पर घर वालों को इसकी भनक मिलते ही मारपीट शुरू कर दी गई और मारपीट के दौरान प्रेमी के पास मौजूद तमंचे से गोली चल गई, जिसमें प्रेमी युवक पूरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। चाकू लगाया था तुम्हारे? फिर क्या हुआ? फिर वो झूठने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ना मारा, मार दूंगा। अच्छा, मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमी दिलीप अपनी प्रेमिका से मिलने वहाँ आया था तमंचा लेकर। वहाँ पर उसके पति से उसकी छीना झपटी में गोली चल गई, जो दिलीप के जांग में लगी है। वो खतरे से बाहर है, उसे इलाज हेतु तो अस्पताल भिजवा दिया गया है। तमंचा मौके से बरामद हो गया है, तहरीर प्राप्त होती है, अभियोग पंजीकृत किया जाए। लखनऊ में कल्याणपुर पुरानी बस्ती में एक युवती गायब हो गई। आपको बता दें कि घर वालों से पूछताछ में पता चला कि लड़की हरदोई की रहने वाली है। साथ ही परिजनों ने बताया कि मेरी लड़की को एक लड़का बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया। चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने के हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लखनऊ में दो दिन के दौरे पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पहुंची हैं। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको बता दें कि काम के सिलसिले में वो यहां आई हुई हैं। प्रियंका स्कूल के आंगनवाड़ी केंद्र में छात्र छात्राओं से मिली और वहां की स्थितियों के बारे में भी जायजा लिया, जिसके बाद प्रियंका 1090 चौराहे के पास पहुंची, जहां वो महिला सुरक्षा की गतिविधियों को देखने पहुंची, जहां उनकी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। हरदोई में गौ तस्करी की बढ़ती वारदातों से प्रशासन हैरान है। आपको बता दें कि तस्कर गायों की तस्करी करने जा रहे थे, तभी ट्रक पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी संख्या में गौ वंश, अवैध शस्त्र प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और नकदी भी बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस गौ वंश और गौ मांस की बिक्री तस्करी रोकने के लिए इलाके में तैनात थी। जनपद में कुछ गोश्त तस्करी की घटनाएं पाई गई थी, उसी क्रम में इससे पूर्व जो ये गाय गोवंश इकट्ठा करते थे और गाड़ियों में भरते थे, उस गैंग के लगभग 23 लोग को पकड़ के जेल भेजा गया था। जनपदी पुलिस को आगे भी कार्रवाई के लिए बताया गया था, खासतौर से उन लोगों के ऊपर जो कि इनको वाहन सप्लाई करते थे। इसी क्रम में थाना कासिमपुर क्षेत्र में कल रात्रि में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जो कि कुछ गोवंश इकट्ठा कर रहे थे। इसमें से 2 रामपुर के हैं, 1 हरदोई का ही है। उनके पास से 9 गोवंश बरामद हुए। हरदोई में पाली नगर में दंपत्ति का एक दूसरे पर असला तानने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गाना लगाकर फेसबुक पर स्टेटस पर लगाया था, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं वीडियो बनाने वाला युवक नगर पंचायत में कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जरा भी किसी से चूक हो जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। संभल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद के नेतृत्व में लोग इकट्ठा होकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां नायाब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने कर डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों से हो रही मौतों पर चिंता जताई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को समय से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाने की मांग की जा रही है, जिससे संक्रमण बीमारियों से हो रही मौतों पर अंकुश लगाया जा सके। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज संभल शहर कांग्रेस कमेटी के लोग और जिला कमेटी के लोग यहाँ एक ज्ञापन दे करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में फैला है और सरकार सोई हुई है। ना तो कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है, डॉक्टरों की अनियमितता है, सरकारी संयुक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर कम हैं और मरीजों का उचित रूप से इलाज नहीं हो पा रहा है। दवाइयों के नाम पर उन्हें शॉर्टेज बताई जाती है और मेडिकल पर भेजने के लिए विवश किया जाता है। यहाँ हम कांग्रेस की ओर से डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के इंतजाम के लिए यहाँ आए हैं
और संबल पर कोई भी अधिकारी नहीं है। संबल में विकास खंड रजपुरा गांव सिरोना डांडा में आयोजित गंगा मेले का डीएम मनीष बंसल ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने भी स्थलीय निरीक्षण किया और घाटों पर लगे बल्ली जाल चेक करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही गोताखोरों के विशेष जानकारी प्राप्त की है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी गुन्नौर संदीप वर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार द्विवेदी समेत कई कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे। बिजनौर में नहटौर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस वाहन चालक की तलाश में जुट गई। ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, बल्ला से ऊपर से विशाल कुमार सुनो राजपाल सिंह और रीतिक कुमार सुनो भीषम सिंह, ये विशाल कुमार अपनी सिस्टर को बिजनौर के पास सदुपुरा छोड़ने गए थे, तो उधर से वापिस आते हुए बल्ला से ऊपर मतलब घर आते हुए तो रास्ते में ये काली का मंदिर पड़ता है ना, काली का मंदिर से आगे 2 किलोमीटर के पास वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं वाहन कौन सा था, सामने से टक्कर हुई है, अपनी साइड गिरी है, कोई दिक्कत नहीं कि ओवरटेक करते हुए वही काम हो रहा है इनका। अलीगढ़ में 15 नवंबर को होने वाली बीए बीएससी और बीकॉम की परीक्षा की डेट को आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि ये परीक्षा यहाँ 15 दिसंबर को कराई जाएंगी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही गुस्सा छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला भी फूंका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा आज कुलपति का पुतला दहन किया गया है। हमारी मांग है कि जो 15 नवंबर बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, उनकी जो एग्ज़ाम की तिथि है वो 15 नवंबर कर दी है, जबकि एडमिशन अभी तक महाविद्यालयों में चल रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर एक ज्ञापन ACM साहब को राज्यपाल संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें कि पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 29 सितंबर को एक विश्वविद्यालय घेराव के दौरान 25 सूत्री ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने एक मांग करी थी जो परीक्षा तिथि इतनी जल्दी घोषित कर दी गई है उसे 15 नवंबर से हटाकर 15 दिसंबर किया जाए, क्योंकि छात्रों के प्रवेश अभी भी चल रहे हैं, अभी धर्म समाज महाविद्यालय में आज भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन छात्रों को एक हफ्ते के अंदर कौन सा ऐसा छात्र है जो 6 महीने की पढ़ाई करे, परीक्षा दे सके। हमने एक मांग करी है कि 15 नवंबर से हटाकर परीक्षा तिथि 15 दिसंबर की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ज्ञापन यह दिया गया है कि जो परीक्षा शेड्यूल घोषित है इस यूनिवर्सिटी का, उसके मुताबिक जो नियत मिनिमम 90 डेज प्लस की अनिवार्यता है वो भी नहीं पूरी हो पा रही, इसलिए उसको आगे बढ़ाया जाए। हम लोग इसको माननीय महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित करेंगे और कुलपति जी से भी वार्ता करेंगे, इसमें क्या कोई समाधान हो सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।